नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। भाजपा ने शुक्रवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तिरंगे का अपमान और देश तोड़ने की हिमाकत करने वाले अराजक तत्वों का समर्थन करने का आरोप लगाया और कहा कि वह चाहते हैं कि देश में कानून व्यवस्था भंग हो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड में घायल पुलिसकर्मियों के प्रति संवेदना व्यक्त न करने के लिए भी आड़े हाथ लिया। ईरानी ने कहा, राहुल गांधी ने आज ऐलान कर दिया कि 26 जनवरी को जो दृश्य देश ने देखा वही हिंसा जल्द ही राष्ट्र के हर शहर तक जनता देख पाएगी। ईरानी ने कहा कि भारत की राजनीति में पहली बार किसी नेता को शांति का आह्वान करने की बजाय अराजक तत्व देश में आग कैसे लगाए उसका आह्वान करते देखा गया। राजधानी रांची समेत राज्य भर में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बादल छटने के बाद रांची के मौसम में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक विभाग के अनुसार देश में दो अलग अलग हिस्सों में चक्रवाती क्षेत्र बन रहा है। एक चक्रवातीय क्षेत्र दक्षिण पूर्व राजस्थान और दूसरा दक्षिण असम के साथ आसपास के इलाके में बन रहा है। इसका असर राज्य के मौसम पर देखने को मिल रहा है। वहीं अगले 3 दिनों तक रांची के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी रहेगी। बता दें, रांची समेत पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, खूंटी, गुमला, रामगढ़ और हजारीबाग में मेघ गर्जन के साथ मध्य दर्ज की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही वज्रपात भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जनवरी से 2 फरवरी तक मौसम शुष्क ही रहेगा और इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हाई स्कूल में नियुक्त होंगे 2000 शिक्षक, जेएसएससी ने भेजी अनुशंसा। राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शीघ्र ही लगभग 2000 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक बहाल होंगे। इनमें 11 जिलों में इतिहास, नागरिक शास्त्र विषय के साथ साथ अन्य विषयों के भी शिक्षक शामिल हैं। इनमें इतिहास, नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं सक्षरता विभाग को मिल चुकी है। रांची में बिहारी और मारवाड़ी आकर भर गए, आदिवासी हुए कमजोर, रामेश्वर उरांव। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि रांची की जमीन दूसरे लोगों के हाथों में चली गई है। रांची में बिहार के लोग भर गए हैं, यहाँ मारवाड़ी लोग बस गए हैं, आदिवासी कमजोर हो गए हैं, इस कारण उनका शोषण हो रहा है। बता दें, वह शुक्रवार को प्रेस क्लब में आयोजित महुआ कॉन्फ्रेंस को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कभी रांची में आदिवासियों का निवास था। शहर के अंदर बसे कई प्रमुख टोला बस्ती समेत कई इलाके का नाम उन्हीं के द्वारा दिया गया है। झारखंड के स्कूली बच्चों की पोशाक पर खर्च होंगे 225 करोड़। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 8 तक के बच्चों को नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पूर्व पोशाक मिल जाएगी। बता दें, झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा पोशाक के लिए राशि फरवरी के प्रथम सप्ताह में जिलों को भेज दी जाएगी। वर्ष 2020-21 के लिए 37,54,162 विद्यार्थियों को पोशाक दी जाएगी। इस पर लगभग 225 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सर्वर डाउन होने से बाधित हुआ टीकाकरण। कोविन पोर्टल का सर्वर डाउन होने से शुक्रवार को टीकाकरण प्रभावित हुआ। बता दें, इस कारण दोपहर तक बिना पोर्टल पर सत्यापन के ही टीकाकरण का कार्य किया गया, साथ ही मैनुअल डाटा एंट्री की गई। हालांकि दोपहर बाद पोर्टल काम करने लगा। 4-5 घंटे सर्वर डाउन रहने के बाद ऑफलाइन मोड में सत्यापन व डाटा एंट्री होने के बाद भी कई जिलों में लक्ष्य के मुताबिक कम टीकाकरण हो पाया। हालांकि केंद्रों की संख्या बढ़ाने से रिकॉर्ड 8,759 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगा, लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 52% रही। 20 सूत्री समितियों के गठन से पहले घोषित होंगे जिलों के प्रभारी मंत्री। राज्य में 20 सूत्री समितियों के गठन के पूर्व जिलों के प्रभारी मंत्री की घोषणा होगी। बता दें, शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 20 सूत्री समितियों के गठन का फॉर्मूला तय करने के लिए मिले कांग्रेस नेताओं से इस बाबत प्रारंभिक दौर की बातचीत हुई। गौरतलब है कि 20 सूत्री समितियों के गठन के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने 4 कांग्रेस नेताओं को अधिकृत किया है। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर और केशव महतो कमलेश शामिल हैं। किसान 50,000 तक लोन माफ कराने के लिए 31 मार्च तक करे आवेदन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य के 9,00,000 किसानों के 50,000 रुपए तक के बैंक कर्ज की माफ की घोषणा की है। बता दें, चालू वित्तीय वर्ष में अब इस पर काम शुरू हो गया है।
बीते 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की अहम घोषणा के बाद बुधवार से सभी जिलों में एक साथ किसानों के कर्ज माफ करने को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें किसान कर्ज माफी योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस राशि से सभी रैयत और गैर रैयत के 50,000 रुपए तक के ऋण माफ किए जाएंगे। झारखंड में 45 नए मरीज मिले हैं, जो रांची से 33, बोकारो से 1, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 2, गुमला से 2, हजारीबाग से 1, लातेहार से 1, पलामू से 1, साहिबगंज से 2 मरीज मिले हैं। झारखंड में कुल मौत की संख्या 1070 है, वहीं एक्टिव केस की संख्या 628 है। भारत में 6,269 नए संक्रमित मिले हैं, भारत में कुल मौत की संख्या 1,54,069 है, वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या 1,69,133 है। ममता बनर्जी को जेएमएम का जवाब, कोई हम पर आसान न जताए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि उसकी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से कोई नाराजगी नहीं है। झामुमो की असली लड़ाई भाजपा से है। गौरतलब है कि गुरुवार को झारग्राम में झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की रैली पर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई थी। लालू यादव की जमानत याचिका पर टली सुनवाई, अब 12 फरवरी को होगी। चारा घोटाला के 4 मामलों में सजायाफ्ता रायत प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत पर अब 12 फरवरी को सुनवाई होगी। बता दें शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने कहा कि इस दौरान अगर सीबीआई चाहे तो लालू प्रसाद के शपथ पत्र पर जवाब दाखिल कर सकती है। बता दें सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल व देवर्षि मंडल ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के आदेश पर कस्टडी की अवधि से संबंधित शपथ पत्र 25 जनवरी को अदालत में दाखिल कर दिया है। 7 लड़कियों को दलालों के चंगुल से पुलिस ने छुड़ाया। साहिबगंज पुलिस की एक टीम ने हरियाणा के गुरुग्राम व दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से मानव तस्करी की शिकार 7 बच्चियों को मुक्त कराया है। बता दें मुक्त कराने वाली टीम में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट साहिबगंज के अलावा बरहेट थाना की पुलिस भी शामिल थी। मानव तस्करी से संबंधित बरहेट थाना में 2 कांड दर्ज थे, जिसका खुलासा हो गया है। रांची में बड़ी मात्रा में अवैध गुटखा के साथ 2 धराए। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध गुटखा बरामद किया है। बता दें मिली जानकारी के मुताबिक कार के जरिए इसे रांची लाया जा रहा था। खेलगांव थाना क्षेत्र में पीसीआर 30 के जवान ने इसे बरामद किया। इस दौरान कार में बैठे 2 लोगों को भी पुलिस पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। बच्चों को जनवरी से मार्च तक के मध्याह्न भोजन का चावल दिया जाएगा। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को जनवरी से मार्च 2021 तक का मिड डे मील का चावल मिलेगा। बता दें चावल के साथ साथ उन्हें कुकिंग कास्ट की राशि की जगह उसके सामान खरीद कर उन्हें दिए जाएंगे। इसके लिए स्कूलों से छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर आवश्यक चावल और राशि का प्रस्ताव मांगा गया है। बता दें जिलों से स्कूलवार प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने देवघर के अंचल अधिकारी अनिल कुमार के निलंबन प्रस्ताव को दी स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को देवघर के अंचल अधिकारी अनिल कुमार सिंह को निलंबित करने से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। बता दें राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अंचल अधिकारी के खिलाफ मिली शिकायतों को लेकर गठित आरोप पत्र और उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर उपायुक्त के द्वारा दिए गए मंतव्य के आलोक में यह निर्णय लिया। उपायुक्त ने अपने मंतव्य में देवघर अंचल अधिकारी का स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं बताया था। रैली बाद में निकाले कांग्रेस, पहले किसानों का वादा को पूरा करे भाजपा। झारखंड भाजपा ने कांग्रेस के उस घोषणा पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की थी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2 लाख तक के कृषि लोन को माफ करने का वादा किया था, अब यह राशि घटकर 50,000 रुपये हो गई है और अभी भी यह माफी कब तक होगी, किस आधार पर होगी यह स्पष्ट नहीं है। प्रतुल ने कहा कि खेती के मौसम में यूरिया की जमकर कालाबाजारी हुई लेकिन सरकार इसे रोकने में विफल रहे। प्रतुल ने कहा कि भाजपा सरकार के छोटे और मध्यम किसानों को खेती के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को भी इस सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना पर रोक लगाकर खत्म कर दिया। किसानों को डराया धमकाया जा रहा है रामेश्वर उरांव। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि पंजाब और हरियाणा में केंद्र सरकार के निर्देश पर इंटरनेट सुविधा बंद कर दी गई है। देश भर के किसानों और आम लोगों को डराया जा रहा है, यह अघोषित आपातकाल की स्थिति नहीं तो और क्या है। उरांव ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर की बात तो समझ में आती है लेकिन अब पंजाब और हरियाणा में इंटरनेट सुविधा को बंद कर दी गई है, वहाँ कौन सा खतरा है,
किसानों को लगातार डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। कृषि मत्स्य गव्य व पशुपालन विभाग की हुई समीक्षा। पलामू उपायुक्त शशि रंजन समन्वालय सभागार में शुक्रवार को कृषि मत्स्य एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने केसीसी में बैंकर्स की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने बैंकर्स को सहयोगात्मक भावना अपनाते हुए केसीसी के लिए प्राप्त आवेदनों के आलोक में केसीसी करने का स्पष्ट निर्देश दिया। बारिश में भी वित्त कर्मियों का धरना जारी। राज्य भर से एकत्रित 14वें वित्त आयोग के कर्मियों का शुक्रवार को 44वें दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से बिरसा चौक के एचईसी गेट के सामने धरना जारी रहा। बता दें, बारिश के बावजूद सभी कर्मी गेट के सामने जमे रहे और मुख्यमंत्री न्याय करो, संवेदनशील सरकार, संवेदना दिखाओ जैसे नारे लगाते रहे। बता दें, बीते गुरुवार को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के साथ कर्मियों के एक शिष्टमंडल की बैठक में यह आश्वासन दिया गया कि सरकार आपके प्रति बेहद सकारात्मक पहल कर रही है। करोड़पति माओवादियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू। पलामू प्रमंडल में नक्सली घटना को अंजाम देकर लाखों की संपत्ति अर्जित करने वाले एक माओवादी की संपत्ति को ईडी ने जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने माओवादी अभिजीत यादव की पत्नी गीता देवी की संपत्ति को जब्त कर लिया है। ईडी जब्त संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित कर नीलामी करेगी। दो नोटिस के बाद भी ट्रैफिक चालान नहीं जमा किया तो 3 साल की जेल। झारखंड की राजधानी रांची में यातायात नियमों की अनदेखी पर जुर्माना की राशि पहले और दूसरे नोटिस के बाद भी नहीं जमा करने वालों को अब जेल की हवा खानी पड़ सकती है। बता दें, रांची ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए अपनी कवायद तेज कर दी है। ट्रैफिक पुलिस ऐसे लोगों को मैसेज भेजकर जुर्माना की राशि जमा करने के लिए कह रही है। मैसेज में राशि जमा नहीं करने पर 5 धाराओं में कार्रवाई की बात भी लोगों को बताई जा रही है।